बैतूल के भैंसदेही में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने काका की हत्या करने वाले आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मोबाइल को लेकर विवाद और गंदी गंदी गालियां देने के चलते नीतेश ने अपने काका रविंद्र को मौत के घाट उतारा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। ये 25 दिसंबर को सूचना मिली थी थाना भैंसदेही में, ग्राम पोहर में सिवनी रोड पे एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है। उसके सिर से काफ़ी खून बहा हुआ है और मृत अवस्था में पड़ा है। और पुलिस से TI साहब, थाने से TI साहब और हमारे सब इंस्पेक्टर गजेन पवन कुमरे, मैं स्वयं वहाँ पहुँचा था। डेड बॉडी को देख के प्रथम दृष्टा लग गया था कि ये हत्या का मामला है। मौके पर मृतक जो रविंद्र थे उसके पिता की रिपोर्ट पे अपराध क्रमांक 0/22 धारा 302 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। बाद में थाने पे उसकी असर कायम की गई है। पुलिस ने अनुसंधान में लेके पुलिस अधीक्षक महोदय भी हमारे घटनास्थल पर पहुँचे तो आवश्यक निर्देश दिए थे। क्योंकि अंधा कत्ल था और बड़ा बहरे में से रविंद्र की हत्या की गई थी, काफ़ी संवेदनशील मामला था। एक टीम यहाँ पे थाने पे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में बनाई गई थी और अज्ञात आरोपी की तलाश की गई थी। तलाश करते ज्ञात हुआ कि मृतक का मोबाइल 4-5 दिन पहले कहीं गुम हो गया था और मृतक अपने भतीजे नीतेश पे शंका कर रहा था कि उसने मेरा मोबाइल चुरा लिया है। इस बात को लेकर उनमें विवाद हो रहा था और 2-3 दिन से वो गाँव में घूमते हुए देखे गए थे साथ में। इसी आधार पर नीतेश से बुला के जब पूछताछ की तो नीतेश ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि उसने मोबाइल उसने चुरा लिया था। इस बात से उसका जो चाचा मृतक के विवाद कर रहा था इस बात को लेके, और 24 तारीख शनिवार को रात में करीब 7 बजे करीब आरोपी नितेश अपने चाचा रविंद्र को किसी बहाने से एकांत सिवनी के रास्ते पे ले गया था। वहाँ ले जाके उसने पहले उसको धक्का दिया और चूँकि वहाँ पे पत्थर की दीवार है उससे लगने से वो बेहोश हो गया। फिर आरोपी का कहना है कि उसने पत्थर की दीवार पर चढ़ कर वहीं से पत्थर उठा के और मृतक के सिर पे 3 बार ऊपर से उठा के उस सिर पे वार किया जिससे उसकी मौके पे ही डेथ हो गई। आरोपी के दोनों हाथ भी और कपड़ों में भी खून काफ़ी लग गया था। आरोपी ने जो अपने हाथ थे एक पत्थर से साफ किए थे। हमने जिस पत्थर से मृतक की मृत्यु की गई है, हत्या की गई है, वो पत्थर और जिस पत्थर पे आरोपी द्वारा हाथ पोंछे गए उसको हमने बरामद किया है। आरोपी से ही हमने मृतक का मोबाइल भी जब्त किया है। आरोपी को हमने आज गिरफ्तार किया है, उसको न्यायालय में पेश किया। भैंसदेही से मनीष राठौर की रिपोर्ट।